कि राजपूत बहुत कमजोर थे। श्रीमान जावेद अख्तर साहब ने तो इतना तक ट्वीट कर डाला कि रजवाड़े राजपूत अंग्रेजों से तो लड़े नहीं, अब सड़कों पर आ रहे हैं। तो एक सत्य का साधक होने के नाते मैं उन सभी लोगों को यह बात बताना चाहूंगा जो राजपूतों को कमजोर समझते हैं। दरअसल उन लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि राजपूतों के इतिहास के बारे में हमारे स्कूलों एवं कॉलेजों की किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता। सन 1840 काबुल युद्ध में 8000 पठान मिलकर भी 1200 राजपूतों का मुकाबला नहीं कर पाए। वहीं इतिहासकारों का कहना था कि चित्तौड़ की तीसरी लड़ाई जो 8000 राजपूतों और 60000 मुगलों के मध्य हुई थी, वहां अगर राजपूत 15000 होते तो अकबर भी जिंदा नहीं रह पाता। इस युद्ध में 48000 सैनिक मारे गए थे, जिसमें 8000 राजपूत और 40000 मुगल थे। वहीं 10000 के आसपास घायल थे। और दूसरी तरफ गिरिरी सुमेल की लड़ाई में 15000 राजपूत 80000 तुर्कों से लड़े थे। इस पर घबराकर शेरशाह सूरी ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। युद्ध से पहले जोधपुर के महाराजा मालदेव सिंह अगर नहीं गए होते तो शेरशाह यह बोलने के लिए जीवित भी नहीं रह पाता। इस देश के इतिहासकारों और स्कूल कॉलेजों की किताबों में आज तक सिर्फ वो ही लड़ाई पढ़ाई जाती है जिसमें हम कमजोर रहे, वरना बप्पा रावल और राणा सांगा जैसे योद्धाओं का नाम तक सुनकर मुगल की औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। रावत रत्न सिंह जी, चुंडावत की रानी, हाडा का त्याग हमारे स्कूलों एवं कॉलेजों की किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता। जिसने अपना सिर काट कर दे दिया था, पाली के आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को हमारे इतिहास की किसी भी किताब में दुर्भाग्यवश नहीं पढ़ाया गया, जिन्होंने एक अंग्रेज अफसर का सिर काटकर किले पर लटका दिया था, जिसकी याद में आज भी वहां पर मेला लगता है। दिलीप सिंह जुदेव का हमारे इतिहास की किसी भी किताब में जिक्र तक नहीं है, जिन्होंने 1,00,000 आदिवासियों को फिर से हिंदू बनाया था। महाराजा अंगपाल सिंह तोमर, महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा रामशाह सिंह तोमर, वीर राजे शिवाजी, राजा विक्रमादित्य, वीर पृथ्वीराज सिंह चौहान, हमीर देव चौहान, भंजीदल जडेजा, राव चंद्रसेन, वीरमदेव मेड़ता, बप्पा रावल, नागभट्ट प्रतिहार, मिहिर भोज प्रतिहार, राणा सांगा, राणा कुंबा, रानी दुर्गावती, रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती, वीर जयमल मेड़तिया, वीर छत्रशाल बुंदेला, दुर्गादास राठौर, कुंवर बलभद्र सिंह तोमर, मालदेव राठौर, महाराणा राज सिंह, वीरमदेव सोनीगरा, राजा भोज, राजा हर्षवर्धन बैस, बुंदा सिंह बहादुर, जैसों का हमारे स्कूलों एवं कॉलेजों की किताबों में पढ़ाया ही नहीं जाता। ऐसे ही हजारों योद्धा जिन्होंने धर्म, प्रजा और देश की खातिर बलिदान दिया। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे देश के स्कूलों एवं कॉलेजों की किताबों में ऐसे वीरों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, और अगर पढ़ाया जाता है तो शाहजहां जैसे मुगलों के बारे में, जिन्होंने अपने खुद के पिता को ही बंदी बनाकर रख लिया था, और अगर पढ़ाया जाता है तो ऐसे मुगलों के बारे में जिन्होंने हिंदुओं की तीर्थ यात्राओं पर पाबंदी लगा दी थी। वहीं आजादी की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह, आउआ ठाकुर कुशाल सिंह, राणा बेनी माधव सिंह, चौन सिंह परमार, राम प्रसाद तोमर, ठाकुर रोशन सिंह, महावीर सिंह राठौर जैसे महान क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, जिनके बारे में दुर्भाग्यवश हमारी किताबों में नहीं पढ़ाया गया। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।